आज की वीडियो है गैस स्टेशन और कन्वीनियंस स्टोर के बिजनेस के बारे में। कैसा बिजनेस है, आप कनाडा में कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, क्या चीज़ें आपने देखनी है, कितने का मिलता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। राइट, ओके, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अली सलमान है और अगर आप कनाडा के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं या बेसिकली बिजनेस इमिग्रेशन के लिए देख रहे हैं या कनाडा आप आना चाहते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस इमिग्रेशन, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लॉटीक LAWTIQ LAWTIQ.com के ऊपर। ओके, चलो आज की भाई पूरी वीडियो जो है ना वो है गैस स्टेशन एंड कन्वीनियंस स्टोर, जनरल स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, कॉर्नर स्टोर्स, डिफरेंट डिफरेंट नाम है इस चीज़ के। राइट, खरियाने की दुकान, डिफरेंट नाम्स है डिफरेंट लाइक यू नो प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। और मेजर ब्रांड्स है दुनिया के अंदर, 7-Eleven, यू नो शेवरॉन, बीपी, शेल, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है स्पेस के अंदर, मैक हो गया, AM/PM हो गया। राइट, सो पहली तो हम बात करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर क्या ये बिजनेस, अगर आप ये बाय करते हैं इसके थ्रू क्या आप कनाडा में बिजनेस इमिग्रेशन के थ्रू आ सकते हैं या नहीं आ सकते। यस, आ सकते हैं, पर आपको कुछ कंडीशंस को मीट करना ज़रूरी है। तो बेहतर ये है कि अगर आप ये बिज़नेस ढूंढ रहे हैं या बाय कर रहे हैं तो आप प्रॉपर लॉयर या कंसल्टेंट के थ्रू जाइए ताकि आपको पता चल सके कि उसके थ्रू आप कनाडा का इमिग्रेशन ले सकते हैं नहीं ले सकते। बिकॉज हर सिनेरियो के अंदर आप नहीं ले सकते, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है। जब आप वो करते हैं तब आप इस बिज़नेस को यूज़ करते हुए इमिग्रेशन के राउट को यूज़ कर सकते हैं। पर आज की वीडियो उस चीज़ के बारे में नहीं, आज की जो वीडियो है वो ये बिज़नेस कैसा है भाई, अच्छा है नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो पहली तो बात है, देखिए, फ्रेंचाइज वर्सेस नॉन फ्रेंचाइज। मेजर जो हाईवे की लोकेशंस हैं, मेजर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं ना, वो 90% जो है ना वो फ्रेंचाइज ओन्ड है। राइट, 7-Eleven हो गया, ये शेल हो गया जिस तरह हमने बात की, मोस्टली जो हाईवे की अच्छी अच्छी जो लोकेशंस है, जो मेजर लोकेशंस है ना मेजर रोड्स के ऊपर, फ्रीवेज के ऊपर, वो जनरली फ्रेंचाइज ही ओन करती है। इंडिपेंडेंस आपको कहाँ मिलते हैं? राइट, ओके, इंडिपेंडेंस आपको मिलते हैं नेबरहुड्स के अंदर, अंदर इलाकों के अंदर। राइट, सो आपने पहले तो ये डिसाइड करना है कि भाई आपने फ्रेंचाइज में जाना है, आपने खुद खुद का इंडिपेंडेंस स्टोर खोलना है। मैं आपको दोनों में फ़र्क बता देता हूँ भाई। इंडिपेंडेंस स्टोर में इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होती है, राइट, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। फ्रेंचाइज स्टोर्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, पर ऑफ कोर्स प्रूवन मॉडल होता है, सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं वर्सेस रनिंग योर ओन इंडिपेंडेंट स्टोर्स। पर दोनों सिनेरियोस के अंदर हमें गुड एंड बैड, इंडिपेंडेंट स्टोर्स, अगर आप एक्सपीरियंस स्टोर ओनर हैं तो आप इंडिपेंडेंट स्टोर चलाइए, आप अच्छा चला सकते हैं, आपको फ्रेंचाइज के फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं है। राइट, पर अगर भाई आपने कभी दुकान रन ही नहीं की, आपने कभी रिटेल स्टोर चलाया ही नहीं, आपको पता ही नहीं होता सारे सिस्टम्स के बारे में, तो आप बेहतर ये है कि आप फ्रेंचाइज लाइक यू नो स्टोर ले। राइट, 7-Eleven की तरह का, पेट्रो कैनेडा की तरह का, शेल की तरह का। तो ये तो बात हो गई फ्रेंचाइज वर्सेस नॉन फ्रेंचाइज। राइट, सेकेंडली जो होते हैं, जरूरी नहीं है हर कन्वीनियंस स्टोर के साथ गैस स्टेशन भी हो। ओके, तो उसमें भी डिवीजन हो जाती है, कुछ सिर्फ गैस स्टेशन के साथ होते हैं, कुछ गैस स्टेशन के बगैर होते हैं। राइट, उसमें उसके अंदर फर्दर जो डिस्टिंक्शन होती है, कुछ के अंदर लोटो होता है। राइट, यू नो लॉटरी की, लॉटरी जो होती है, लॉटरी कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर मोस्टली गैस स्टेशन कन्वीनियंस स्टोर्स पे आपको मिलेगी। 99% कन्वीनियंस स्टोर्स गैस स्टेशन में लॉटरी होती है। ओके, और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि लॉटरी के अंदर जो प्रॉफिट होता है ना, राइट, ओके, वो 5% से भी कम होता है। तो लॉटरी जो होती है कन्वीनियंस स्टोर में या गैस स्टेशन में, वो अट्रैक्ट करने के लिए होती है, उसमें आप पैसे नहीं बनाते। राइट, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई इस स्टोर की जो सेल है ना वो $2 million है, उसमें से आप हमेशा पहला क्वेश्चन ये करेंगे कितना रेवेन्यू लॉटरी का है और कितना रेवेन्यू गैस का है, क्योंकि गैस और लॉटरी दोनों चीज़ों के अंदर आप ज़्यादा पैसे नहीं बनाते, इसके थ्रू लोग आते हैं आपके स्टोर के अंदर। राइट, आप पैसे बनाते हैं चिप्स, बिस्किट, कुकीज़, खाने की चीज़ें, बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ों के अंदर आप पैसे बनाते हैं। राइट, असेंशियल जिस तरह होती है एग, मिल्क, ये जो सारी जो असेंशियल चीज़ें जो होती हैं जो हमें चाहिए होती है। राइट, सो हमेशा जब आप इवैल्यूएट करें, राइट, गैस स्टेशन को या कन्वीनियंस स्टोर को, आपने ये देखना है उसके अंदर कि कितना परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू लॉटरी का है, कितना परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू गैस का है, उसको आपको साइड पे रखना है। फिर आपका जो मेन जो रेवेन्यू है उसमें से आपने देखना है कि आपका कितना प्रॉफिटेबिलिटी होती है। राइट, सो दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इसमें ये आपने देखनी है कि आपको लैंड के साथ मिल रही है ये जगह या लैंड के बगैर लीज के ऊपर मिल रही है। भाई जाहिर सी बात है, लैंड के साथ लोगे तो महंगी पड़ेगी, लैंड के बगैर लोगे सस्ती पड़ेगी। राइट, सिंपल मैथ है। राइट,
तो ये भी आप देख लें, पैसा अगर आपके पास है इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा, लैंड के साथ लें, अच्छी बात है, एसेट बिल्ड करें। पैसा कम है राइट, ओके, तो सिर्फ कैश फ्लो बिजनेस बाय करें, लीज बिजनेस बाय करें राइट। इसके अलावा और क्या कंसिडरेशन आपको करनी चाहिए? सो इसका अंदर जो है ना वो आपको 24 घंटे राइट, ओके, आपके आवर्स जो है ना ये आपके बड़े क्रिटिकल होते हैं। सक्सेसफुल स्टोर्स वो होते हैं जो 24 घंटे खुले होते हैं, क्योंकि भाई देखें 24 घंटे आपका कस्टमर को जो है ना आ सकता है, और जो स्टोर्स 24 घंटे खुले होते हैं वो हमेशा आप देखोगे कि वो जनरली बिजी होते हैं, और मोस्टली उनका जो रेवेन्यू होता है 1.5-2 मिलियन डॉलर्स के नॉर्थ होता है। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे वो स्टोर चल रहा होता है, वर्सेस वो स्टोर जो सुबह को 7 बजे खुलता है, रात को 10 बजे 11 बजे बंद हो जाता है। अभी किसी किसी एरियाज में इट डजंट मेक सेंस टू ओपन अ 24 आवर्स, पर 90% ऑफ द इंडस्ट्री के अंदर आपको कोशिश ये करनी है कि आप 24 घंटे इस स्टोर को चलाइए। और इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या ट्रेंड्स हैं, मैं आपको एक जिस तरह बताऊं कि इस इंडस्ट्री के अंदर एक मेजर ट्रेंड ये है हॉट फूड का। 7-Eleven के अंदर लेटली ये स्टडी आई थी कि इनके ग्रोथ, जो मेजर ग्रोथ उन्होंने देखी है इनके जो गैस स्टेशन और ग्रोसरीज के बिजनेस के अंदर, वो हॉट फूड आइटम्स के अंदर है। ये पिज्ज़ा टेक आउट हो गया, फ्राइड चिकन प्रोडक्ट्स हो गई, भाई लोग आते हैं गैस भराते हैं, बाकी चीज़ें खाना भी अपने साथ उधर ही से लेके जाते हैं, तो हॉट फूड आइटम्स के अंदर आप देखेंगे कि ग्रोइंग ट्रेंड है। तो अगर आपका स्टोर लेट्स से अगर $1 million कर रहा है, तो एटलीस्ट आप स्टोर के अंदर 3 लाख से 4 लाख का हॉट फूड आइटम्स बेच सकते हैं, तो इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी एक्सपेंशन कर सकते हैं आप हॉट फूड्स के अंदर जितनी आप ड्राई आइटम्स के अंदर कर सकते हैं राइट। सो ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं और गैस स्टेशन जो है एक अच्छा बिजनेस है, पर इसके अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर और ऑपरेटर होना चाहिए। बिकॉज क्यों? आपके शेल्फ जो है वो सारे नाइस एंड क्लीन हो, आपकी लाइटिंग जो है वो प्रॉपर हो राइट। आप कोई ऐसे स्टोर में जाना पसंद नहीं करता जो डल सा हो, आधे आधे शेल्फ खाली हो, नो वन लाइक्स टू गो दैट इन दैट स्टोर राइट। तो हमेशा याद रखें, जितना अच्छा आपके स्टोर की कंडीशन होगी इतना आप बेसिकली स्टोर को ग्रो कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है इसके अलावा आप ना प्रमोशंस लेकर आते हैं, तो कनाडा के अंदर मोस्टली जो ग्रोसरी स्टोर्स या कन्वीनियंस स्टोर्स के जो प्रमोशंस होते हैं ना वो इनके पार्टनर्स के साथ होते हैं। उसको क्या मतलब कि भाई पेप्सी जिस तरह आपका प्रमोशन लगा रहे हैं कि 2 बॉटल्स इंस्टेड ऑफ $5 वो $3 की बेच रहा है, डसानी जो है पानी बेच रहा है $6 के बजाय $3 की बॉटल रही, तो इस तरह से बेसिकली प्रमोशंस होती हैं कि आप यहाँ से गैस बढ़ाइए और गैस के साथ आपको जो है ना ये बॉटल्स डिस्काउंट रेट पर मिल जाएंगी। तो ये प्रमोशंस के थ्रू फिर आप और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से फ्रेंचाइज जब आपकी होती है तो आपको ये सारी चीज़ें करने की ख्वाहिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भाई फ्रेंचाइज रखी इस वजह से क्योंकि ये आपको सारी चीज़ें फ्रेमवर्क देती है। जब आप अपना अकेला स्टोर चला रहे होते हैं, जब कोई फ्रेंचाइज नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें आपने फिगर आउट करनी है राइट। तो ये भी आपने बेसिकली कंसिडर करना है। और भी बेसिकली जो रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ गैस स्टेशन और कन्वीनियंस स्टोर्स के अंदर होती है, जिस तरह हो गया बेसिकली आपका जो है ना ATM राइट, ATM राइट, एक एक ट्रांजैक्शन में $2 से $3 चार्ज होता है। बिटकॉइन की मशीन्स लगाते हैं लोग राइट, लोग जो है ना पिक एंड अमेजोन के पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ लोकेशंस का लगाते हैं, लोग जो है ना कार चार्जिंग चार्जिंग स्टेशंस लगाते हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज एक्स्ट्रा रेवेन्यू की हो सकती है गैस या बगैर गैस के सिर्फ कन्वीनियंस स्टोर्स के अंदर ही राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप प्रॉपर कन्वीनियंस स्टोर्स के अंदर सेल्फ फोन एक्सेसरीज का एक आइल रखें, आप ना कार एक्सेसरीज का एक आइल रखें, तो उससे भी बहुत अच्छा रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है राइट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कन्वीनियंस स्टोर्स या गैस स्टेशन में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बेसिकली इस बिज़नेस को बेहतर समझने के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करें राइट एट lawtiq.com पे, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट पे जाके अगर आपको कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ जाके पूछिए, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।